आज हम बना रहे हैं आलू का हलवा, जिसके लिए हमने लिया है घी। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें उबले हुए आलू को ऐड करेंगे। आप पहले ही उन्हें उबाल लें और मैश कर लें अच्छे से। अब हम इसे 5 से 10 मिनट भूनेंगे। 5 से 10 मिनट बाद हम इसके अंदर केसर की पत्तियों को ऐड करेंगे, जिससे इसका कलर थोड़ा सुनहरा हो जाए, और अब अच्छे से भून लेंगे। केसर की पत्तियां डालने के बाद हम इसके अंदर इलायची के दाने डालेंगे, जिससे इसके अंदर खुशबू हो जाए और थोड़ा सा टेस्ट बदल जाए। अब हम इसे 5 से 6 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट बाद ये इतना कुक हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर शुगर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1/2 कप मिल्क ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारे हलवे में लम्स ना रहे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे। हमारा हलवा बनकर रेडी है, आप अब इसे सर्व कर सकते हैं। Thanks for watching, and don't forget to hit the bell icon.